डॉलर स्टेट बैंक ने मार्केट में फेंके हैं रुपए की कीमत कंट्रोल करने के लिए नहीं कर सके, 174 पर चली गई है। दूसरी बात ये कहते हैं जी इस खत्ते में बाकी मुल्कों में महंगाई है और उनका जनाब अली पेट्रोल वहां महंगा है। ठीक है, खत्ते में इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, चले इन दो मुल्कों को ले लें, सही। वहां हाल ये है कि पाकिस्तान के 500 रुपए के उनके 200 रुपए मिलते हैं, यानी एक रुपया जो है उनका हमारे 2.5 रुपए के बराबर है। सुन ले जरा, उनकी कुव्वत खरीद कितनी है। अगर उनकी तनख्वाह 20,000 है तो पाकिस्तानी 50,000 रुपए के बराबर है, उनकी तो कुव्वत खरीद इतनी ज्यादा है। ठीक हो गया सदीक साहब, लाइन करिए भाई साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे अपोजिशन? वाकई में ये केस दोनों इनके पास, नैब का भी और खासतौर पे ये पेंडोरा पेपर्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस थे। ये अपोजिशन ये अपने आप को बचाने में लगी हुई है। एक सिंपल बात करूंगा, देखिए असल में ये जो मुल्क को लूट के खा जाते हैं ना, ये या तो होते हैं वकील, या होते हैं ब्यूरोक्रेट, या किसी और इंस्टीट्यूशन से होते हैं जो अच्छा। मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता, ले उनका नहीं, ठीक है ना, सब समझते हैं, वो सारे ले जाते हैं। ईमानदार लोग उन करप्ट लोगों को बचाते बचाते टीवी टॉक शोज पे खड़े रहते हैं। असल होना चाहिए कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, उन लोगों का आपस में मुकाबला होना चाहिए। प्रोग्राम यही खत्म कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज जदून साहब, आपका शुक्रिया नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया वरिष्ठ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया नाजरी, इसमें कोई शक नहीं।